इंजीनियर्स तो बहुत हैं यहाँ, पर आज हम आपके लिए एक ऐसी इंजीनियर की कहानी लाए हैं जो कुछ अलग था। इस इंजीनियर ने अपने फर्स्ट ईयर में ट्यूबलाइट से लेकर कैपेसिटर तक चुराया और सेकेंड ईयर में मैकेनिकल में होकर भी आईटी कॉम्स के लेक्चर्स अटेंड किए। थर्ड ईयर में आते ही इसने ऐसे काम किए जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। इस इंजीनियर ने अपने लाइफ में पैसा ही नहीं, उसके साथ साथ इज्जत भी कमाई। ये है हमारा मैकेनिकल का अपना अन्ना। ये 3 साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला, पर अब था फोर्थ ईयर। बी में प्रोजेक्ट ना खत्म होने के डरावने सपने आना शुरू हो चुके थे और अन्ना का प्रोजेक्ट अभी तक डिसाइडेड नहीं था। इसी के लिए मदद लेने अन्ना प्रोफेसर के पास जाता है। कोई भी आइडिया तेरे को रियल लाइफ एग्जाम से मिलेगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही मिलेगा, कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल। इसी बीच प्रोफेसर से बात करते हुए अन्ना को एक ज़बरदस्त आइडिया आता है, पर वो काफ़ी मुश्किल था, इसलिए अन्ना ने उस पर दिन रात एक करना शुरू कर दिया और उस पर काम करने लगा। दिन रात एक करने के बाद, बहुत मेहनत के बाद अन्ना ने उसका एक सैंपल और रिसर्च पेपर प्रोफेसर को बताया। बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग और जजमेंट के बाद प्रोफेसर ने वो प्रोजेक्ट अप्रूव तो किया, पर काफी इम्प्रूवमेंट्स उसको सजेस्ट किए। ये जो थिकनेस है ना, ये ओवरऑल सेम होना चाहिए और उसको ना साइज थोड़ा और बड़ा कर दें। ओके, सो इट विल लुक ऑल्सो नाइस और ये परफेक्टली ट्राई भी हो जाएगा, अदरवाइज इट्स फाइन। कितना चेंजेस कर रहे हैं तुम्हें परफेक्टली फाइन। और क्या है ये प्रोजेक्ट में सर? इसमें ये जो मेथोचा से जो स्टार्टर है उसको फ्यूचर में उसको इडली बनाने में भी, और बाद में जो लाल वाला जो है वो सैंपल के लिए भी, वो स्पेसिंग के लिए भी एक्सटेंड करने के लिए प्लान किया है। ओके, वेरी नाइस, ये एकदम रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। पीपल कैन मेक मेदू वड़ा, इडली, दाल वड़ा फास्टर यूजिंग द मशीन। गुड गुड, ऑल द बेस्ट। अब समय आया सबमिशंस का। सबमिशंस चेक कर रहे थे चौहान सर, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट। दिस इज अ सेकंड स्टेज एंड यू आर सेइंग थोड़ा सा किया है, दैट कांट बी एक्सेप्टेड। द कंटेंट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। यू डू लॉट ऑफ होमवर्क, यू आर नॉट डूइंग रिसर्च, यू टुगेदर आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम।
this is not allowed, I will not take it and don't leave and take this go from here. That's it. You work your work and get me the refined work, that's it. Okay? Next time I want to see better presentation from your side. No, not at all. You have to repeat your work, rework your work and research. You come with some inputs to me first, I'll refine that. Don't ask me ready-made solutions. स्कॉलर्स के प्रोजेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ऐसा फेंका जा रहा था। अन्ना डरा हुआ था, पर फिर भी अन्ना ने हिम्मत नहीं हारी। अन्ना ने अपना प्रोजेक्ट टाइटल से शुरू किया, द अल्टीमेट वड़ा मेकर। सर और अन्ना दोनों खुश थे। प्रोजेक्ट डिफरेंट था, काफ़ी डिफरेंट। सर काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे थे प्रोजेक्ट में और बहुत ही लंबी प्रेजेंटेशन के बाद, क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद अन्ना का प्रोजेक्ट फाइनली अप्रूव हुआ। अन्ना ही एक ऐसा इकलौता स्टूडेंट था जिसको सर ने गले लगाकर बेस्ट ऑफ लक विश किया। आज 20 साल बाद डॉन बॉस्को में 2018 का बैच चल रहा है और 11 बजते ही सब लोग एक जगह से दूसरी जगह भागने लगते हैं। पर ये सब किस लिए, आइए देखते। ये रहा हमारा 20 साल पहले वाला अन्ना। आज डॉन बॉस्को का बच्चा बच्चा अन्ना को जानता है, ना सिर्फ डॉन बॉस्को का बट आगे पीछे रहने वाले सब लोग अन्ना को जानते हैं। अन्ना और उसकी लाल चटनी से पैदा होने वाले गोरे गोरे बच्चों की कहानियां हर एक कोने में सुनाई देती हैं। अन्ना लाल चटनी लो, लाल चटनी लो, लाल चटनी लो, अच्छा गोरा होएगा आपका। चलो भाई लाल चटनी लो, गोरा वाला चटनी आ जाओ, लाल चटनी लो। सो ये थी कहानी हमारे अन्ना की, कैसे ये अन्ना मैकेनिकल के अन्ना से सबका अन्ना बना। धन्यवाद।